बहुत जल्दी निकलती है तो और पैसे सिक्के वहाँ कितने मिले ऊपर चले और ऊपर चढ़ेंगे हम मैंने सब ऊपर ही जाएंगे सोने की चीज को नोल कुंडा लिए सब निकल मैं ऐसे वहाँ समुद्र में निकले हेलो हम जा रहे हैं गढ़गंगा नहाने के लिए मेला देखने के लिए अब पहुंच लिए हम दासना गाजियाबाद से निकल गए दासना तो पहचान में भी नहीं आता बहुत ट्रैफिक तो पता चल जाएगा दासना अब ये हाईवे इतने बन गया आराम हो गया अभी तो आप देखना कि हापुड़ बाईपास पे भी वहाँ पे नहीं चलेगा कि हम हापुड़ बाईपास कब क्रॉस कर गए और मतलब बाईपास ही चलता रहेगा हापुड़ बाईपास तो बहुत पुराना है पहुँच गए थे हम उस दिन 35 किलोमीटर का फिर सिम्बावली से पहले मुझे याद आई सो महापुर बाईपास बहुत टाइम से चल रहा है छावनी क्यों नहीं आ रहा है पहले तो इतना लंबा इतना लंबा बाईपास नहीं चलते थे फिर वो तो साइड में जैसे आगे कट आ रहा था ना तो दो तीन लोग खड़े हुए थे उन्हें मैंने पूछा था मैं भैया ये किस जगह हमें तो छावनी जाना है कि वो तो बहुत पहले आप छोड़ा है ये कट तो सिम्बावली जा रहा है जी यहाँ उतर जाओ और पुराने वाले हाईवे से जाओ सिम्बावली में तो फिर कन्फ्यूज हो जाओगे तुम पुराना हाईवे इतना अच्छा बनाया इतना खाली पड़ा है हेलो फ्रेंड राधे राधे तो यहाँ हम जा रहे हैं गंगा जी नहाने के लिए गंगा गढ़ गंगा मतलब तो आप सबको ज़्यादातर वैसे इस साइड में जितने भी हैं गाजियाबाद हापुड़ तरफ के लोगों को पता है बाकी के नहीं है क्योंकि गढ़ गंगा पे बहुत बड़ा मेला लगता है जो पूर्णिमा होती है ना ये इस वाली पूर्णिमा पे उससे पहले ही मतलब देवठान से 3-4 दिन पहले वहाँ पे डेरे वगैरह लगा करके लोग रहना शुरू कर देते हैं और फिर देवठान से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और जो कि पूर्णिमा वाले दिन तक सब गोल्डन स्टेटस लगा रखा गढ़ मेला का इसका ही तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है बहुत लोग ट्रैक्टर ट्रॉली बुग्गियाँ सब लेकर के जाते हैं तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं पहले मैंने भी नहीं देखी थी लेकिन अब वहाँ जा कर के मैंने तब देखी है सच्ची में बहुत अच्छा लगता है मन लगता है गंगा जी के किनारे लेकिन 5-6 दिन तो हम लोग नहीं रह करके आए लेकिन हाँ एक रात वहाँ जरूर रुके थे और आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगी वहाँ पर किस तरीके से सब ने टेंट वगैरह लगाए हुए हैं और कैसे वहाँ पर रह रहे हैं देखो आप कितनी भीड़ है बहुत सच्ची में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मेरे लड्डू गोपाल जी रखे थे जो पहले वाले उनको भी मैंने गंगा मैया में सिला दिया सच में बहुत ज़्यादा दुख लगा जब उनको मैं गंगा मैया में सिला रही थी उस टाइम पर उल्टे हाथ पर ना ये रुके नहीं चले मीना डांस करा रहा उन्होंने उनके चाचा के लड़के की पूजी थी हम वे उसने तो चाचा के पोते के ना पूजी उन्होंने इतना थर्ड क्लास है टूची क्लास है सेम जगह तो सभी नाम है डिब्बा तो चाय पी रही है यहाँ अंकल नहीं आते लेने तो हमें जन्म में मिलता है ये ट्रेन लोकेशन पे ना पहुंच पाते हमें जन्म में नहीं मिलता ये ट्रेन इसीलिए तो गए उन्हें पता था कि पहुंच ना पाएंगे नहीं कभी पहली बार ऐसे आए थे नॉर्मली आती जाती रहती है मेरे जिले के चांद वाइड भगा कोई ना पावे ने अभी से खप्पर भरने शुरू करेंगे कही थी मैं तुम्हें मत लेके चलो नहीं कोई नहीं औरत ना आ रही चुन्नी लेके यही कौन सा कही चुन्नी लेके दोनों चुन्नी
जब भी मोबाइल देंगे ना इतना गाड़ी में रखा हुआ मोबाइलों को कपड़ों को कपड़ों को पकड़ने नहीं जा 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 चलो बुल्ली बुल्ली अंदर जाओ उसमें टॉप ना ना इधर रोना शुरू इतना ना पानी क्या तुझे हम भाग के थोड़ी चले जाएंगे पागल है हो रहा इतना मम्मी मार दे देख छोटे छोटे बच्चों देख देख वहाँ पानी कितना कम है सब ऐसे चल रहे हैं चलो चलो कहीं गड्ढा बनाया कुछ आया मेरे पैर के नीचे कहीं गड्ढा फटा हुआ यहाँ है ये सब ना खड़ी जनता ऐसी यहाँ पे इस साइड में बहुत लोगों के जैसे बच्चे होते हैं ना तो उनके बाल वहीं उतरे हैं इस टाइम पे और जो बहुत के कुआ पूजन होता है तो वो कुआ पूजन ना होने के बाद नहीं होता मतलब नाप पूजती है तो साल में ये इसी टाइम पर नाप पूजती है तो वहाँ इसीलिए सब ढोल बाजे बैंड बजते रहेंगे किसी की नाप पूज रही है किसी कहीं किसी की नाप पूज रही है तो वो वाला यहाँ चलता रहता है लग रही है पैर अपने लग रही जान अरे 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 हाइपर हो गया हाइपर हो गया गुड़िया की गुड़िया का मजाक करके देख रही है आ जा बेबी बेबी वही जाकर बस करवाएगा दीदी बात क्या होगी तुझे क्या करे तू जा जा वहीं रहना जा तू करवा रोक दे तो भाई से रोक दीदी बेटा पानी तो था उसके ऊपर कपड़े लेकर मैं घुस गया डायरेक्ट और फिर ये ना सेम बात कहने बैठेंगे सारे जने जब धोलेगी थे हम आज जब ये धोलेगी नहीं इतने कपड़े बदलोगे इतने हम खड़े रहेंगे इतने धो डालेंगे बहुत देर लगा तुम्हें कपड़े बदलने में एक आधे घंटे से लाइन लगानी पड़े यहाँ तो लाइन और अभी थर्ड क्लास से चेंज करने वाले के लिए तो लाइन लगानी पड़ती है वहाँ तो काले काले सारे थे
पानी खत्म नहीं, अच्छी खासी वीडियो बना के फिर रखेंगे। अब ऐसे बनाते हैं पानी खत्म। बैठ जाओ ठंडा बहुत। मैं तो सुनोगे अब सुनोगे फिर। अब वीडियो छोड़ के फिर फोटो खींच लेती हूँ ऐसे। मम्मी बैठो जल्दी। आज ही मैं नहाने की जगह ढूंढनी पड़ रही है, जगह मिल नहीं रही है मैं नहाने की। कल तक बहुत सही पानी था, आज तो ये बीच गंगा जी में इतना भाव कम हो गया, गड्ढे वगैरह हो गया। कल तक गंगा जी में बहुत ठीक पानी था, आज रात में बहुत कट गई है, तिरछी कट गई और बहाव बहुत तेज हो गया। बढ़ना तो ठीक है, इतना ठंडा कैसे हो गया? बढ़ रहा है वो तो ठीक है, पर इतना ठंडा कैसे हो गया ये? आप लोगों ने देखा था पहले हम लोग डेरे के अंदर बैठे थे, तो इसी तरीके से सब लोगों ने वहाँ अपने अपने डेरे या टेंट वगैरह लगाए हुए थे। डेरे ही बोलते हैं इधर को, वैसे टेंट ही लगा करके किचन का सारा सामान लेके जाते हैं, वहीं खाना पीना बनाना रहना। आई 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 यहाँ पर वीडियो में जो आपको शेयर कर रही हूँ ये मुझे इतनी अच्छी लगी। ये बुजुर्ग आप देख रहे हो, कहते हैं ना बुढ़ापे में भी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के गंगा जी नहाने के लिए जा रहे थे, तो वो ही बोल रही थी कि मेरा हाथ मत छोड़ो, कि मैं ही खड़ा इंतजार कर रहा हूँ तू नहा के आ जा। मैं लगवा दिया इसके ऊपर, बैठे के ऊपर मैंने बैठे के ऊपर लगा दो। मामा कभी ज़्यादा जबरदस्ती कर लेंगे, जबरदस्ती गन्नू और पिंकू बहुत ज़्यादा डरते हैं गंगा जी नहाने में। गन्नू तो फिर भी मतलब थोड़ा बहुत ही आया था, नहीं आया। पिंकू को क्या रहता, जो ज़्यादा गहरा जल है उससे डरता था, लेकिन थोड़ा सा हल्का था तो उसमें उसने खूब अच्छी खासी मस्ती की। और यहाँ हम नहाए हैं, सच में बहुत इंजॉय किया हम सब लोगों ने। कुछ जो आपका मन करे आप वो करो। यहाँ से जानी शुरू हुई है नीचे, गड्ढा है, यहीं बैठ जाओ।
ज्यादा ठंडा है, ज्यादा ठंडा है। मेरे ये वाले क्लिप थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है, मतलब जब हम गंगा जी में गए थे तब का है, जिस दिन हम यहाँ से गए थे ये उसके अगले दिन का वीडियो है, मतलब हम रात को रुके थे, जिस दिन गए थे उस दिन जाके नहाए थे, फिर उसके बाद रात को रुके, ये अगले दिन का है। यहाँ नहा के हम जो सूरज देवता को मतलब जल वगैरह देना होता है, ज्योत बत्ती देवताओं को, ये सब गंगा जी में वही कर रहे हैं बहन भैया। तो भाई ने अपने देवताओं को तो वही पूछ रहा था कि दीदी मैंने कि तू अपने देवताओं को और मैं अपने ने, क्योंकि मैं माई की तरफ वालों के देवताओं को जल नहीं दे सकती, तो इसलिए उसने अलग जलाया, मैंने अलग जलाया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने आरती वगैरह करके गंगा मैया को, उसके बाद अब हम यहाँ से गाजियाबाद के लिए दूसरे दिन निकल जाएंगे। बस ऐसे अचानक में प्रोग्राम बना था और हम यहाँ से चले गए, बस वहाँ पे एक रात को रुकने का प्रोग्राम हमारा कुछ नहीं था, दिन दिन के लिए गए थे, पहुँच गए थे तो बस सब लोग आ गए यार, हमारा भी मन हो गया क्योंकि अच्छा लग रहा था वहाँ पर, सब चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है, सब लोग जाते हैं उस तरीके से इंजॉय करते हैं और एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट करते हैं वहाँ रहने का। मेरी आरती तो हाँ धूप तो जलाई नहीं। और भैया तो चले गए थे 5-6 दिन पहले ही, 1 तारीख को ही वहाँ टेंट लगाया था और हलवाई वगैरह सब रखा हुआ था, तो खाना पीना अच्छे से हलवाई ने बनाया और हमने खूब एंजॉय किया, मेला वगैरह देखा। और ये है मेले का जो एरिया है वहाँ, यहाँ पे हम वापस आ रहे हैं इस टाइम पर, मेले में भीड़ कम है क्योंकि रात को मेले में भीड़ ज़्यादा होती है, और अब वापस गाजियाबाद आ रहे हैं, नहीं तो रात को फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।